हाँ तो फ्रेंड्स, अब आज हम जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर आते हैं, विल आई हैव अ लव मैरिज। उसमें नेक्स्ट में मेरे को कई लोगों ने फ़ोन किया और पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि पार्टनर मेरे ऑफिस का होगा या कोई और होगा। मैं आज उसी सब्जेक्ट को पहले डील करता हूँ। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एस्ट्रोलॉजी के एक वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको पहले एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम एक्चुअल सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो एस्पेक्ट यानी दृष्टि, प्लैनेट्स की दृष्टि। सारे प्लैनेट्स अपने सामने वाले सेवन्थ हाउस को देखते हैं। जैसे ये फोर्थ हाउस है तो ये अपने सामने सेवन्थ हाउस को देखेगा। ये अगर थर्ड हाउस है तो अपने सामने वाले ये नाइन्थ हाउस को देखेगा। ये अगर फर्स्ट हाउस है तो अपने सामने वाले सेवन्थ हाउस को देखेगा। इसके अलावा ये चार प्लैनेट्स हैं, मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटर्न, गुरु यानी जुपिटर और राहु। ये चारों की अपनी अलग दृष्टि होती है सेवन्थ एस्पेक्ट के अलावा। मंगल अपने से चौथे, सातवें और आठवें घर को देखता है। अगर आप देखें यहाँ पर मंगल यहाँ है तो यहाँ से चौथे घर को एक दो तीन चार को देखेगा, उसके बाद में फिर सातवें घर को इसको देखेगा और आठवें घर को देखेगा। इसी तरीके के सैटर्न के तीन दृष्टि होती हैं, थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस। गुरु की तीन दृष्टि होती हैं, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। और राहु गुरु को बिल्कुल कॉपी करते हुए फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को देखता है। यहाँ तक केवल ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आज हम जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर आते हैं, विल आई हैव अ लव मैरिज। उसमें नेक्स्ट में मेरे को कई लोगों ने फ़ोन किया और पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि पार्टनर मेरे ऑफिस का होगा या कोई और होगा। मैं आज उसी सब्जेक्ट को पहले डील करता हूँ। ये देखिए, ये है सेवन्थ हाउस और ये यहाँ से जो टेंथ हाउस है वो है ये फोर्थ हाउस। अब अगर ये दोनों हाउसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑफिस का ही होगा। अगर ये दोनों हाउसेस सेवन्थ और फोर्थ इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो हो सकता है पार्टनर आपके ऑफिस में आता जाता हो किसी काम से, लेकिन आपके ऑफिस से कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर ये दोनों हाउस कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर पार्टनर आपके ऑफिस का नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शंस क्या हैं ये आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था कि अब मैं कैसे पता करूं कि भाई मेरा पार्टनर मेरे ऑफिस में होगा या मेरे ऑफिस का नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट सेगमेंट इज जो सबको जानने का बड़ी उत्सुकता रहती है, विल माय पार्टनर बी गुड लुकिंग। लेट्स सी, देखते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपके पार्टनर बताते हैं कि पार्टनर आपका गुड लुकिंग होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो पार्टनर गुड लुकिंग नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही कॉम्बिनेशंस को आपके लिए बताया है। पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर दूसरा घर, सातवां घर और बारहवें घर के जो स्वामी हैं वो केंद्र में हों या त्रिकोण में हों कुंडली के। दूसरा है कॉम्बिनेशन कि अगर मंगल और शनि एक साथ सातवें घर में हो। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि अगर सातवें घर का स्वामी और गुरु एक ही राशि में बैठे हों, इसके साथ ही पांचवें घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी दोनों स्ट्रांग हों, वीक ना हों, और जो चंद्रमा है वो जो चंद्रमा से पांचवां घर जो है उसमें एक शुभ प्लैनेट बैठा हो, ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि आपके लग्न में शुक्र हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि अगर गुरु शुक्र से सातवें घर में बैठा हो। अगला कॉम्बिनेशन है कि शुक्र सातवें घर में हो, तुला
या वृश्चिक या कर्क राशि में, मतलब वो या तो शुक्र की राशि में हो वीनस की राशि में, या मंगल की स्कॉर्पियो राशि में हो, या मून की कैंसर राशि में हो। अगर आपका केतु मीन या धनु राशि का है, मतलब पिशियस या सेजिटेरियस राशि में है, तब भी आपका पार्टनर गुड लुकिंग होगा। यदि शुक्र और शनि एक साथ एक घर में बैठे हों तो भी आपका पार्टनर गुड लुकिंग होगा। अगर आपकी मकर लग्न है और चंद्रमा आपके सातवें घर में है, तब भी आपका पार्टनर गुड लुकिंग होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मैं पार्टनर की जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ से किस डायरेक्शन में होगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सवाल आता है जो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि हमारा पार्टनर जो है वो मैं कैसे पहचानूंगा कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। जैसे कुछ कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन है कि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से किस डायरेक्शन में होगी। तो वो मैं बताने का, देखने का आपको तरीका बताता हूँ। आप ये देखें कि जो ये सेवेंथ हाउस है, इसका लॉर्ड कौन है और वो लॉर्ड किस घर में बैठा है। जैसे इस कुंडली में मैं बताता हूँ आपको, ये सेवेंथ हाउस है, इसका लॉर्ड है, इसकी इसमें राशि है टॉरस यानी वृषभ, और इसका लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र। अब ये वीनस जो है इस कुंडली में नाइन्थ हाउस में बैठा है, जो कर्क राशि है यानी कैंसर, मून की राशि। अब हमें ये देखना है कि जो इस हाउस का लॉर्ड है यानी मून, वो कहाँ बैठा है। मून जो है वो यहीं बैठा है सेवेंथ हाउस में। तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके प्लेस ऑफ बर्थ से वेस्ट में उसका घर पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि कुंडली में जो ये फर्स्ट हाउस है ये ईस्ट है, सेवेंथ हाउस वेस्ट है, फोर्थ हाउस नॉर्थ है और टेंथ हाउस जो है वो साउथ है। तो इस कुंडली के लिए जो पार्टनर के डायरेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है, वो जिसकी ये कुंडली है उससे वो वेस्ट की तरफ पैदा हुआ होगा। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं कि जैसा मैंने कि आपको पहले भी बताया कि ये सब जेनेरिक बिल्कुल रिजल्ट्स हैं, इंडिविजुअल रिजल्ट्स हमेशा वेरी करेंगे। आपके प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किसके नक्षत्र में हैं, उनको कौन कौन देख रहा है और आपकी क्या दशा चल रही है और आप कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो इन चीज़ों पर वेरी करेंगे। आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं, तो मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें और अपना प्रेडिक्शन जानें। अनूठी में आपको विजिट करने के लिए, आप मेरे को ध्यान से सुनने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, अनूठी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।